सूत्री मांगों को लेकर 4 दिनों से दौसा कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को प्रशासन से वार्ता के बाद धरना खत्म कर दिया। कानून व्यवस्था के लिहाज से और गणतंत्र दिवस समारोह के चलते सांसद किरोड़ीलाल की कलेक्टर और एसपी सहित अन्य अधिकारियों से बंद कमरे में वार्ता हुई। इस दौरान बताया गया कि सभी मांगों को लेकर सहमति बन गई है। राज्य स्तर पर कमेटी बनाई गई है जो सभी मामलों की जांच करेगी। जनता को राहत मिले यही सबसे बड़ी जय है और निकल के तेल यह आया है कि जिला प्रशासन ने ये महसूस किया है कि इस धरने का परिणाम है कि ग्राम पंचायतों की समस्या का समाधान होगा। इस धरने का परिणाम है कि VCR में जो लूट मच रही है और द्वेष भाव से जो VCR भर रहे हैं उसके लिए कमेटी राज्य स्तर पर बना दी है जो VCR की नई रणनीति तय करेगी। अब तीन महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें शूल चार्ज और किसानों की सब्सिडी बिजली पर प्लस ERCP, इसकी चर्चा हमारे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज अगर मैं 6 बजे तक पहुंच गया तो आज मैं 27 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी और उनके द्वारा गठित इन सभी विभागों के अधिकारी के साथ संपादित होगी जिसमें क्या निर्णय आएगा क्या सहमति बनेगी वो मीडिया के जरिए राजस्थान की जनता को बता दिया जाएगा।